दोस्तों, अगर आपका बजट 10,000 रुपये है और आप इस 10,000 रुपये में एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास अब ऑप्शन आ चुका है, यानी कि अब विकल्प आ चुका है कि आप 10,000 रुपये के नीचे एक 5G स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और उसमें सभी इंडिया में लॉन्च होने वाले 5G बैंड्स काम करते हैं। और वो स्मार्टफोन का नाम है लावा ब्लेज 5G। जी हाँ, लावा ब्लेज 5G का इंट्रोडक्टरी प्राइस 9,999 रुपये रखा गया है और जिसमें कि आपको एक कम्प्लीट 5G पैकेज मिल जाता है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो डिस्प्ले है 6.5 इंची का है, आपको HD+ स्क्रीन मिलता है। वैसे यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है, इस प्राइस सेगमेंट के अनुसार यह डिस्प्ले अच्छा है जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट दे देता है। यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 700 का प्रोसेसर है। यह जो प्रोसेसर है 2021 में लॉन्च हुआ था, जो कि यहाँ पर इस प्रोसेसर पर जो भी स्मार्टफोन आते थे 5G के साथ, जिसका प्राइस 1500-1600 रुपये रहता था, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेसर पुराना है, लेकिन यह स्मार्टफोन में आपको 10,000 रुपये के नीचे मिल जाता है। तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यहाँ पर रैम मिलता है 4GB का और प्लस में 3GB वर्चुअल रैम और 128GB का स्टोरेज। यहाँ बात करें तो 5G का कनेक्टिविटी तो मिल ही जाता है, डुअल 5G इसमें चलेगा, 4G वगैरह भी चल जाएंगे। और बैंड्स की बात करें तो इंडिया में जितने भी बैंड्स अभी तक लॉन्च हुए हैं, चाहे एयरटेल का हो या फिर जियो का, वो यह जो स्मार्टफोन है सभी के सभी बैंड्स को यह सपोर्ट करने वाला है। तो 5G के लेकर के कोई टेंशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों 5000mAh का बैटरी मिल जाता है, जिसमें कि आपको वैसे 15W का चार्जर मिलता है, तो उतना फास्ट चार्जर नहीं है, 2.5 से 3 घंटे आपको फ़ोन चार्ज करने में लग जाएंगे, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो काफ़ी देर तक यह चलने वाला है। पीछे में आपको दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लुक मिलता है, ग्लास बैक दिया गया है। देखिए 10,000 रुपये के नीचे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जो कि लावा यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। पीछे में आपको 50+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, कैमरा देखिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट के अनुसार जो मेन लेंस है 50 मेगापिक्सल का, वो काफ़ी अच्छा काम कर देता है। फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और हाँ दोस्तों, जो बैक में कैमरा लगा है उससे आप 2K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा थम्सअप है। इस प्राइस में आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो जो फ्रंट कैमरा है वहाँ पर आपको थोड़ा सा वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि राइट साइड में पावर बटन के साथ। यहाँ पर आपको 1TB तक स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, 3.5mm का जैक है, इसमें USB Type-C का भी पोर्ट है। दोस्तों यहाँ पर अलग से 2-3 फीचर ऐसे जो कि काफ़ी मज़ेदार है, जैसे कि बैकग्राउंड वीडियो स्ट्रीमिंग, यानी कि अगर आप YouTube वीडियो को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो इस फोन से आप डेफिनेटली कर सकते हैं। साइलेंटली कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा फीचर है। अब हम इसके प्राइस की बात करें तो इंट्रोडक्टरी प्राइस है 9,999 रुपये। अभी जाकर के आप Amazon या फिर Flipkart से इसे डेफिनेटली खरीद सकते हैं। इसका जो रियल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है 10,999 रुपये है, तो उस भी प्राइस में यह काफ़ी बुरा नहीं है। वैसे अगर आप दूसरा 5G स्मार्टफोन खरीदने जाइएगा तो आपको 15,000 से 17,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब इतना स्पेक्स आपको मिलेगा, तब आप यहाँ पर 5G का मजा ले सकते हैं। और आप कहीं भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये रहा मेरा ओपिनियन, और यह जो स्मार्टफोन है 10,000 रुपये के नीचे सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। सो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।